किसी होटल का बावर्ची खाना नहीं, ना ही किसी खाना पकाने वाले चैनल का कुकिंग कंपटीशन। बाहर दिसंबर की ठंडी सुबह है, छुट्टी का दिन है, और ये लोग इकट्ठे हुए हैं मिलजुल कर खाने का कुछ सामान तैयार करने। ताकि इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें शायद पेट भर खाना मैसर न हो। ये नौजवान बच्चियां और ख्वातीन रजाकार हैं और हिस्सा हैं रियासत वर्जीनिया में काम करने वाली एक तंजीम मेक स्पेस का। मेक स्पेस यानी गुंजाइश पैदा करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। रीजन व्हाई आई एम इन मेक स्पेस एंड व्हाई मैं मेक स्पेस में इसलिए हूं कि ये वाहिद जगह है जहां सबके लिए जगह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किस्म के मुसलमान हैं। स्पेस दैट इज वेरी एम्ब्रेसिंग ऑफ ऑल पीपल। दे डू अ लॉट ऑफ सर्विसेज फॉर द कम्युनिटी। ये कम्युनिटी के लिए बहुत से काम करते हैं, सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के लिए नहीं, तमाम कम्युनिटीज के लिए। दे गो एंड clean highways, they give food to the homeless. I like the fact that मुझे अच्छा लगता है कि मेक स्पेस के हलकों में मेरी उम्र के अफराद हिस्सा लेते हैं। यहाँ के हलके मुझे अपने से मुतालिक भी लगते हैं, उनमें मौजूदा इश्यूज पर बात की जाती है। मौजूदा इश्यूज मतलब? Recent halqa I attended was, I think it had more to do with the San Bernardino shootings and stuff. And मैंने हाल ही में जो हलका अटेंड किया उसमें बात की गई सैन बर्नार्डिनो शूटिंग की, कि एक कम्युनिटी के तौर पर हम कैसे इस मनफी सूरत हाल का सामना करें। In the past several weeks to a few months, our community here in America, the Muslim American community, has gone through some challenging times. ये है इमाम ज़िया, मेक स्पेस के बानी और रूह रवा। 15 साल पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचने वाले इमाम ज़िया का असल शोभा आईटी है। ये वर्जीनिया के एक बैंक्वेट हॉल में नमाज की इमामत कराते हैं। जी हाँ, इमाम ज़िया किसी बाकायदा मस्जिद के इमाम नहीं। वो लोग जो मस्जिद नहीं जाते या नहीं जाना चाहते, हम मस्जिद को उनके पास लाते हैं। जब मैं मस्जिद में इमाम था तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे इधर जो नौजवान तबका है, अक्सर वो ये शिकायत करते थे कि जब हम मस्जिद में आते हैं तो लोग हमें जज करते हैं। जिन मौजूआत पे बात की जाती है उनका हमारी ज़िंदगी से इधर कोई ताल्लुक नहीं होता, और ख़वातीन का भी यही हमेशा शिकायत रहती थी कि मसाजिद में इज्जत की निगाह से नहीं देखते और प्रोग्राम जो बनाते हैं उनमें हमारे जो ज़रूरियात हैं उनको मलहूज नहीं रखी जाती। तो इन दोनों तबकों की जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने मेक स्पेस का बुनियाद रखा। मेक स्पेस के तहत क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और किस तरह मुख्तलिफ है ये मस्जिद जिसमें अंदर नमाज हुई उससे जो कि दूसरी जगहों के ऊपर नमाज पढ़ाई जाती है? मस्जिद का जो फ़िक्ही तारीफ है हम उसके अंदर नहीं आते। तो जब इधर हम नमाज़ पढ़ते हैं मसलन, तो वो अहकाम जो मस्जिद के ऊपर लागू होते हैं इधर नहीं होते। क्या हम उन लोगों को जो हिजाब अभी तक नहीं पहनते, क्या हम उनको हम अपनी कम्युनिटी से अलग करेंगे और उनको कुछ मौका नहीं देंगे कि वो आएँ? उनके लिए वो तदरीज का एक सिलसिला जो होता है मसाजिद में वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो उसके लिए हमने एक ऐसे माहौल या थर्ड स्पेस का इंतज़ाम किया है कि नौजवान लोग, हमारे जो बहनें हैं, वो आराम और इत्मीनान से आए, क्योंकि नौजवान तो वो तो खेलना चाहते हैं, खाओ क्रिकेट हो या बास्केटबॉल हो या फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल जो खेलना चाहते हैं। तो हम उसका और जो इंडोर भी हो, पिंग पोंग, वीडियो गेम्स वगैरह, वो सहूलतें हम उनको फराहम करते हैं ताकि वो इकट्ठे हो जाएं और फिर
उसी के दरमियान हम बहुत हल्का सा उनको कुछ इस्लामी तालीमात का भी हम एक एस्पेक्ट दे देते हैं। लेकिन ये सरगर्मियाँ तो दीगर मसाजिद में भी होती हैं। हमारे काम का फ़र्क ये है कि हम फ़िरक़ावारियत पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते, सबको वेलकम करते हैं। वो may have a lot of influence, but then... अमरीका में रहने वाली मुसलमान कम्यूनिटी को कितना ज़रूरत है ये सीखने की कि वो दूसरों की तरफ ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करे, और उसको दूसरों की तरफ कितनी गुंजाइश अपने दिल में पैदा करने की ज़रूरत है। हमें तो ये पढ़ाया गया है कि हर मुल्क मुल्क मास के मुल्क खुदा मास के, हर मुल्क हमारा मुल्क है क्योंकि हमारे खुदा का मुल्क है। तो जिस तरह मिस्री मुसलमान है, अफगान मुसलमान है, पाकिस्तानी और भारतीय मुसलमान है, इसी तरह अमेरिकन मुसलमान भी है, क्योंकि वो लोग जो मुहाजर होते हैं इधर वो भी अमेरिकन सिटीजनशिप को लेते हैं, लेकिन वो जो इधर पैदा होते हैं उनका तो कोई और मुल्क है ही नहीं, वो तो यहीं का है और कहीं जा भी नहीं सकते। तो इसीलिए जो प्रायोरिटी है ये है कि उनको ये समझाएं हमारे अपने नौजवान तबके को खुसूसन के आप अमेरिकन भी रह सकते हैं और मुसलमान भी। अच्छा ये बताइए कि मुसलमान कम्युनिटी जो अमेरिका में रहती है या जो यूरोप में रहती है, उसमें ऐसी कौन सी आपके ख्याल में ऐसी वो गुंजाइश है जहाँ पे शिद्दत पसंदी के नज़रियात नौजवान दिमागों को अपनी तरफ तरगीब देते हैं? असल जो दहशतगर्दी है या इंटॉलरेंस वगैरह, ये सब कुछ आप इसके जो जो जड़ है मेरे ख्याल में उसी फ़िरक़ावारियत में है, क्योंकि जब आप अपने मुसलमान बहन और भाई को उसको आप काफिर कहेंगे और उसको आप उसके खून को आप हलाल समझेंगे, तो जाहिर है जो मुसलमान ना हो उनकी तो कोई हैसियत भी नहीं है तुम्हारे नज़र में। हालांकि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम तब तक मोमिन नहीं बनोगे जब तक जो अपने आप के लिए पसंद करोगे वो औरों के लिए भी, अपने भाई के लिए भी नहीं पसंद करोगे। तो उस हदीस के शरह में इमाम नवी ने फरमाया है कि इसका मतलब इस्लाम का अख़ुवत नहीं है, इसका मतलब इंसानियत का अख़ुवत है, और इंसानी जो बरादरी है उनके दर्द को अपना दर्द समझना।